नमस्कार। आज का लेक्चर है विंड पावर एंड एनर्जी पैटर्न फैक्टर इफिशिएंसी ऑफ विंड मशीन। आज हम विंड की एनर्जी और पावर तथा विंड मशीन की इफिशिएंसी के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही विंड टरबाइन की परफॉर्मेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। विंड एनर्जी एंड पावर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एयर, एयर की कितनी मात्रा टरबाइन के अंदर से गुजर रही है, स्पीड ऑफ एयर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जो हम आगे पढ़ेंगे, मास ऑफ एयर मीन्स एयर की डेंसिटी कितनी है उसके हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें मास भी ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी, वेलोसिटी और वॉल्यूम ऑफ एयर इन सब पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम ऑफ एयर जो स्वेप्ट होता है वो विंड टरबाइन के रोटर के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। विंड टरबाइन विंड एनर्जी के कुछ फ्रैक्शन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और बाकी जो है वो एयर अपने साथ में आगे पास हो जाती है। इफिशिएंसी जो रोटर की होती है वो है एक्चुअल पावर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द एयर अपॉन अवेलेबल विंड पावर, और इसको हम विंड पावर कोफिशिएंट भी कहते हैं। जो मेजर फैक्टर्स विंड इफिशिएंसी को और एनर्जी को प्रभावित करते हैं, एयर डेंसिटी, विंड रोटर का एरिया, विंड वेलोसिटी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है विंड स्पीड, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि विंड की पावर विंड स्पीड के क्यूब पर डिपेंड करती है। अर्थात अगर विंड की वेलोसिटी डबल होती है तो पावर 8 टाइम्स हो जाती है, और इस प्रकार वेलोसिटी डबल होने पर सेम आउटपुट के लिए हम एरिया रोटर के एरिया को 8 टाइम्स रिड्यूस कर सकते हैं। अतः विंड पावर के लिए साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर की हवाएं तेज चलती हो। विंड पावर कोफिशियंट और भी कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें रोटर ब्लेड की प्रोफाइल है, नंबर ऑफ ब्लेड्स है और ब्लेड का अरेंजमेंट है। रोटर पावर जो विंड की स्पीड है उसको रोटर टिप के रिलेटिव विंड की स्पीड कितनी होती है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर रोटर टिप और विंड में ज्यादा रिलेटिव स्पीड हुई तो रोटर और रोटर विंड के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। स्लो मूविंग रोटर के लिए अगर स्पीड ज्यादा होती है हवा की, तो उसमें से हवा का कुछ पोर्शन रोटर को बिना एनर्जी ट्रांसफर किए पास हो सकता है। इसी प्रकार अगर रोटर तेज मूव कर रहा है और हवा धीमी चल रही है तो एनर्जी विंड की एनर्जी है वो उसकी टर्बुलेंस और वोर्टेक्स शेडिंग करने में ही गुजर जाएगी। अर्थात विंड टरबाइन के रोटर और विंड की रिलेटिव स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विंड पावर में जो पैरामीटर्स प्रभावित करते हैं उसमें डेंसिटी के विंड पावर जो है डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया के भी प्रोपोर्शनल होती है, परंतु जो रोटर की रेडियस होती है, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, अतः विंड पावर रेडियस के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होती है। इसी प्रकार विंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। इसका अर्थ यह है कि विंड की पावर वेलोसिटी के क्यूबिक में चेंज होती है, और अगर स्पीड डबल होती है तो वो
8 टाइम्स पावर डेवलप होती है। अतः साइट सिलेक्शन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम विंड एनर्जी और पावर की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे यहां पे किसी रोटर के आगे विंड की वेलोसिटी v1 है, तो उस स्थिति के अंदर विंड में जो पावर होगी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हाफ एम v1 स्क्वायर। इससे काइनेटिक एनर्जी की रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का अर्थ है रेट ऑफ मास फ्लो। एम की बजाय हम एम डॉट कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ मास फ्लो, जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है कि मास फ्लो की रेट होती है रो ए वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड एंड ए इंटू वी इक्वल्स द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड थ्रू द पैसेज पासिंग पर यूनिट टाइम एंड मल्टीप्लाइड बाई रो इज इक्वल टू रेट ऑफ मास फ्लो। सो द पावर ऑफ विंड इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यूब। यह पावर विंड के अंदर हमें अवेलेबल रहती है, जिसका हम कुछ फ्रैक्शन एक्चुअल पावर में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर ए जो है रोटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया गया है, और यह माना गया है कि रोटर एक पतली डिस्क के समान है जिसमें से कि एयर बिना किसी अवरोध के पास हो सकती है, और रो विंड की डेंसिटी है। तो इस प्रकार विंड की एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और विंड की पावर होगी हाफ रो ए वी क्यूब। विंड मशीन की मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ विंड मशीन हम कितने अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हम तीन सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके अनुसार किसी पैसेज में से अगर क्लोज पैसेज है तो मास फ्लो कांस्टेंट रहता है। जब दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन, जिसके अनुसार दो पैसेज पे एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी का डेरिवेशन करेंगे। सपोज कीजिए ये रोटर है, इसके आगे की तरफ प्रेशर पीबी है और इसके पीछे की तरफ वायु का दाब पीए है, और शुरुआत में पी एप्सिलॉन और अंत में पी डेल्टा, दोनों तरफ प्रेशर समान होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी सपोज करिए v1 है और बाद में v2 है इसके रोटर के बाद में, और रोटर के अंदर वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी v है। इस एज्यूम्शन के आधार पे अगर हम हाइट और विंड की डेंसिटी को तीनों सेक्शन पे कांस्टेंट माने, तो एज पर द बर्नौलीज थ्योरम हाफ रो v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट प्लस प्रेशर एनर्जी एट दिस पॉइंट p इज इक्वल टू 1/2 रो v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एट द रोटर प्लस pb रोटर से पहले का दाब। ये सेक्शन 1 और 2 से जस्ट पहले के बीच की एनर्जी इक्वेशन होगी। इसी प्रकार रोटर के पीछे की तरफ आफ्टर रोटर और आउटलेट के बीच की एनर्जी इक्वेशन होगी हाफ रो वी स्क्वायर रोटर के अंदर की जो वेलोसिटी है वो, प्लस रोटर के बाद का दाब पी ए, रोटर के घूमने के कारण वायु का दाब बाद में कम हो जाएगा, और इज इक्वल टू होगा हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस पी एट द आउटलेट। आउटलेट और इनलेट पे जब वायु का दाब बहुत दूर अपन लेंगे तो ये समान होगा,
इसके आधार पे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये डिराइव कर सकते हैं कि पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू, ये पी और ये पी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाफ पी हाफ रो वी स्क्वायर और ये हाफ रो वी स्क्वायर, ये भी दोनों जगह से कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू वन बाई टू रो वी वन स्क्वायर माइनस वन बाई टू रो वी टू स्क्वायर। अर्थात रोटर के आगे पीछे जो दाबांतर होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर होगा। इस प्रकार दाब अंतर से हम रोटर पर वायु के कारण जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो होगा एफ इज इक्वल टू ए इंटू पी बी माइनस पी ए, और पी बी माइनस पी ए की जगह हम हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी हाफ रो ए वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। परंतु हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम रो ए इंटू वी एवरेज वेलोसिटी जो वहां पे होगी, रेट ऑफ मास होगा ये, और एक्सेलरेशन वी वन माइनस वी टू अपॉन टी होगा, और ये टी यहाँ पे आएगा तो ये वी बन जाएगा मास के अंदर, और इस तरह से ये डेरिवेशन हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी इंटू वी वन माइनस वी टू। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के बराबर करने पर हमें प्राप्त होगा, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में भी हमने फोर्स कैलकुलेट किया है और इक्वेशन फोर्थ में भी हमने फोर्स कैलकुलेट किया है कि जो कि रोटर और विंड एक दूसरे पर डालते हैं उसको कैलकुलेट किया है, और इन दोनों को बराबर करने पर हमें प्राप्त होगा एवरेज वेलोसिटी वी ए वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। अब हम दोबारा एक और दो पॉइंट को कंसीडर करें तो विंड के अंदर की जो रोटर वेलोसिटी रोटर को कितनी एनर्जी मिलेगी, जो कि विंड की एनर्जी चेंज होगी और वो होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर के बराबर। तो पावर एग्जर्टेड होगी हाफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एंड रेट ऑफ मास फ्लो हो जाएगी रो ए एवरेज इंटू एवरेज वेलोसिटी एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, और इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ रो ए वी वन वी की जगह पे वी वन प्लस वी टू, यहाँ इक्वेशन फाइव से रखते हैं हम वी वन प्लस वी टू अपॉन टू इंटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर रो ए वी वन प्लस वी टू इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। हम जानते हैं कि इनकमिंग पावर के अंदर इनकमिंग विंड के अंदर जो पावर है वो है रो ए वी वन क्यूब, इनलेट के ऊपर वी वन वेलोसिटी होने के कारण हमारी जो विंड की टोटल पावर है वो है हाफ रो ए वी वन क्यूब। अतः इफिशियंसी होगी पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द विंड अपॉन पावर इन द इनकमिंग विंड, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पी अपॉन पी जीरो, जहाँ हमने P इक्वल टू अभी पीछे की स्लाइड में हमने देखा था 1/4 रो ए वी वन प्लस वी टू इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन 1/2 रो ए वी वन क्यूब। इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 1/2 और वी वन क्यूब का सब में भाग देंगे और इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस वी2 अपॉन वी वन का होल स्क्वायर प्लस वी2 अपॉन वी वन माइनस वी टू अपॉन वी वन का होल क्यूब। अगर हम वी टू अपॉन वी वन को एल्फा मान लें तो इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा क्यूब, या पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू पी जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो वेरिएबल है ये पी जीरो जीरो नहीं हो सकता,
तो अगर इफिशियंसी को पावर के, अगर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के साथ में, तो पी को हमें अल्फा के साथ डिफ्रेंशिएट करके और जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, और वो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी डी पी अपॉन डी एल्फा इज इक्वल टू जीरो, और जो पीछे एक्सप्रेशन था उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें प्राप्त होगा माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और इसको सोल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी वन अपॉन थ्री। वन अपॉन थ्री की वैल्यू अथवा माइनस वन मिलेगी, जो माइनस वन प्रैक्टिकल नहीं है, अतः हमें वन अपॉन थ्री की वैल्यू इक्वेशन सेवन में अगर रखेंगे, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डेरिवेशन था उसमें रखेंगे, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी 16/29 जो कि 0.59 के बराबर हो। इस प्रकार हमने देखा कि हम अधिकतम दक्षता जो कि किसी टरबाइन से प्राप्त कर सकते हैं, विंड टरबाइन से प्राप्त कर सकते हैं, वो है 59%। इस 59% को हम कोफिशियंट के रूप में 0.59 लिखते हैं, जिसे हम बैट्स लिमिट भी कहते हैं अथवा बैट्स कोफिशियंट कहते हैं, जो कि थ्योरेटिकली किसी विंड मशीन द्वारा मैक्सिमम पावर फ्रैक्शन है। इस मैक्सिमम पावर से भी हमें कम ऊर्जा प्रैक्टिकली मिलती है, क्योंकि इसमें जनरेटर गियरबॉक्स इत्यादि का फ्रिक्शन शामिल नहीं है। अब हम विंड टरबाइन्स में विभिन्न क्वांटिटीज से कैसे पावर वेरी करती है उसको देखते हैं। पहला है कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है एक्चुअल पावर अपॉन थियोरेटिकल पावर, जो कि हमने देखा था, अभी डिराइव भी किया था, मैक्सिमम 0.59 हो सकता है। इसको एक ग्राफ में दिखाया गया है कि टिप स्पीड रेशियो के आधार पे कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे वेरी करता है, और अलग अलग टरबाइन के लिए, अलग अलग प्रकार के टरबाइन के लिए अलग अलग सीओपी हमें प्राप्त होता है। जैसे सबसे अधिक हम देख रहे हैं कि थ्री ब्लेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जो है, उनमें हमें सबसे अधिक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस प्राप्त होता है, जो कि लगभग 0.42 के बराबर हो सकता है, 4.345 के बराबर हो सकता है। और ये भी तब हमें जब प्राप्त होगा जबकि टिप स्पीड रेशियो होगा 9 के इक्वल। इसी प्रकार सेवोनियस टरबाइन है, उसमें सबसे कम हमें इफिशियंसी प्राप्त होती है, जो कि अधिकतम 0.2 के लगभग इफिशियंसी प्रैक्टिकली हमें प्राप्त होती है। तो इन कर्व्स के आधार पे हम मैक्सिमम इफिशियंसी किस टरबाइन से कितनी प्राप्त हो रही है उसकी जानकारी ले सकते हैं। डेरियस टाइप के हमें 0.4 है, और एच डेरियस जो कि हमने जीरो मिल के साथ पढ़ा था कल, उसमें भी लगभग समान इफिशियंसी हमें प्राप्त होती है, परंतु उसमें टिप स्पीड रेशियो जो है वो अधिक होता है 5 के आसपास। उस स्थिति में हमें अधिकतम इफिशियंसी प्राप्त होती है। तो ये परफॉर्मेंस कर्व ड्रा करने से हम ये जान सकते हैं कि किस टिप स्पीड रेशियो कितना रखा जाए जिस पे कि हमें अधिकतम इफिशियंसी प्राप्त हो। पावर कर्व, पावर कर्व जो है वो विंड स्पीड के साथ में हमें कितनी पावर प्राप्त हो रही है वो दिखा रहे हैं, और इससे ये पता लगता है कि अधिकतम विंड स्पीड से ज़्यादा स्पीड करने पर भी हम थ्योरेटिक प्रैक्टिकली 8 times पावर नहीं मिल पाती है। अब इसके अंदर 3 विंड स्पीड्स हैं,
पहली है कट इन विंड स्पीड, जिसमें कि विंड टरबाइन पावर जनरेट करना स्टार्ट करता है। कट इन विंड स्पीड जो है 3 से 5 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरी नॉमिनल विंड स्पीड, ये लोवेस्ट स्पीड है जिस पर कि विंड टरबाइन अपनी नॉमिनल पावर आउटपुट पे पहुंचता है, और इसके ऊपर हायर पावर आउटपुट पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रेस, ब्लेड के स्ट्रेस को और लोड की लिमिट रखने के लिए रोटर को एक डेफिनेट स्पीड पे कंट्रोल किया जाता है। तीसरा है कट आउट विंड स्पीड, ये वो हाईएस्ट विंड स्पीड है जिस पर की टरबाइन को ऑपरेट किया जा सकता है। इससे ज़्यादा स्पीड होने पर टरबाइन को रोक दिया जाता है, क्योंकि इससे अधिक स्पीड पे टरबाइन चलने पर ब्लेड्स को क्षति होने का खतरा होता है। ये विंड स्पीड पावर कर्व दिखाया गया है, जिसमें कि विंड स्पीड 0, 5, 10, 15 और 20 दिखाई गई है। तो पावर जो है हमने देखा है कि नॉमिनल विंड स्पीड 12, 13 के ऊपर हमें मिल रही है। इससे ज़्यादा स्पीड होने पर हम जैसे 18-19 होने पर इसको कट कर दिया जाता है, अर्थात टरबाइन को रोक दिया जाता है। एनुअल एनर्जी जनरेशन एंड कैपेसिटी फैक्टर, पावर कर्व को एनुअल विंड स्पीड जो है उनके कंबाइन करने पर हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी साल में विंड टरबाइन द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न की गई। इसके लिए प्रत्येक घंटे में जो विंड स्पीड है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रत्येक घंटे के डेटा को कैलकुलेट करते हैं, और उसके हिसाब से हम टोटल एनुअल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार हर घंटे की ऊर्जा उत्पादन को जोड़ने पर हम पूरे साल की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.7 मेगावाट टरबाइन जो है एक साल के अंदर किसी साल में 3800 मेगावाट आवर ऊर्जा जनरेट करी, तो कैपेसिटी फैक्टर उस टरबाइन का क्या होता है? कैपेसिटी टरबाइन ये होता है कि अगर वह टरबाइन बिना रुके पूरे साल के दौरान रेटेड कैपेसिटी पे कितनी ऊर्जा उत्पादन कर सकता है, अर्थात 365 दिन में 24 घंटे लगातार चलने पर उस टरबाइन की रेटेड कैपेसिटी से कितनी ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तव में उसके द्वारा कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, तो वास्तव में प्राप्त ऊर्जा और उसके द्वारा अधिकतम प्राप्त की जा सकने वाली ऊर्जा के अनुपात को हम कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। जैसे इस टरबाइन, फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि 3800 मेगावाट की आवर किसी टरबाइन द्वारा एक साल में ऊर्जा का उत्पादन हुआ, और उसकी कैपेसिटी जो उसकी रेटेड कैपेसिटी 1.7 मेगावाट है, तो 1.7 मेगावाट को हमने पूरे वर्ष के दौरान 24 × 365 करने पर 8760 आवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमें 25% कैपेसिटी फैक्टर प्राप्त हुआ। अर्थात विंड टरबाइन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 25% एनर्जी उस वर्ष के दौरान जनरेट करी। तो ये हमें कैपेसिटी फैक्टर से जानकारी मिल सकती है। तो एनुअल एनर्जी जनरेशन का हमने देखा कि इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम विंड एनुअल विंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आवर्स पर ईयर में हमने ये कर्व प्राप्त करते हैं। दूसरा हम पावर कर्व देखते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम टोटल एनर्जी पूरे वर्ष के दौरान जनरेट की गई है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम विभिन्न कर्व की सहायता से टरबाइन की परफॉर्मेंस की जानकारी
मिल जाती है और हमें ये पता रहता है कि वर्ष के दौरान टरबाइन से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी और किस स्पीड पे हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, ब्लेड टिप का और हवा का रेशियो क्या रखा जाना चाहिए ब्लेड टिप पे, इन सब बातों की जानकारी इनका उसकी सहायता से प्राप्त होती है। तो आज के लेक्चर में हमने विंड एनर्जी पावर और इफिशियंसी के बारे में जानकारी ली, उसका कैसे हम अधिकतम इफिशियंसी 0.59 ही होती है इसका डेरिवेशन से करके और सिद्ध किया। धन्यवाद।